हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, विच इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट अपन पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो कि झारखंड बोर्ड के जो क्लास 11 का एग्जाम होने वाला है उसके टर्म में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जिनके डिस्कशन आज हमको करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो ये है कि द डायमेंशन ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एम एल टी एंड ए इज। ठीक है, तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमको वो फाइंड करना है, और चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है वोल्टेज जो होता है वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। ठीक है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब डब्ल्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू का क्या हो जाता है ए टी। समझ में आ गया बात? तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और क्यू का हो जाता है ए टी। जब टी को आप ऊपर लेकर के जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा ये ऊपर जब टी जाएगा तो, और ए जो हो रहा होगा ए का पावर माइनस ए हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल की कौन सा हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ये सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन। क्लियर हुआ? वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू इक्वल टू होता है ए टी। टी को जब आप ऊपर लेकर के जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस थ्री बन जाएगा, और ए भी जब ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर माइनस वन बचेगा, और एम एल स्क्वायर तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, और ऑप्शन नंबर ए है क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, और ऑप्शन नंबर सी है इसका एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन। तो जो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एम एल एंड टी, इट विल बी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज की द डायमेंशन ऑफ कैलोरी इज। तो देखिए कैलोरी जो है, कैलोरी किसका यूनिट है, कैलोरी तो यूनिट है एनर्जी का, समझ में आ रहा बात? और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। कैसे, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या एल, मतलब ओवरऑल बात करें तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। इसीलिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैलोरी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट यहाँ पे पूछा गया, और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी कॉन्स्टेंट है वो सारे कॉन्स्टेंट के डायमेंशनल फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो जितने भी जितने भी कॉन्स्टेंट आते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला निकालने आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे बात कर ले हम लोग अगर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का, तो सबसे पहले किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने का प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होता है कि उससे संबंधित, उससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई इक्वेशन पता होना चाहिए। बात करें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का, तो हमारे पास एक इक्वेशन है ई इक्वल टू एच न्यू। क्लियर? अब एच न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है, और इसी को आप न्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब ये है कि एच इक्वल टू क्या लिख लीजिएगा आप, एच इक्वल टू आप लिख सकते हैं ई टी। समझ आया बात? एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई टी लिख सकते हैं। ई का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और टी तो टी ही है। इसका मतलब कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। क्लियर हो गया बात? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। क्लियर है? अब देखिए कि कौन से ऑप्शन में है ये पार्ट। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन जो है वो सी ऑप्शन में है। तो इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। क्लियर है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉर आर एम एस, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज। तो देखिए ये वेलोसिटी तो वेलोसिटी है चाहे कोई भी वेलोसिटी हो, समझ गया आप, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है चाहे कोई भी वेलोसिटी हो। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास एल टी माइनस वन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, ठीक है, और टाइम नीचे में है, इसका मतलब कि इन्वर्स हो जाएगा, और एम जीरो होगा। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस वन। आंसर क्या हो जाएगा इसका,
इस पर्टिकुलर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट इज, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लैटेंट हीट इज, तो लैटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप एक फॉर्मूला सोचिए, ऐसा फॉर्मूला जिसमें कि आपका लैटेंट हीट इन्वॉल्व हो जाए। चलिए हम लोग मान लेते हैं अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एल होता है, क्लियर। क्यू इक्वल टू एम एल मतलब हीट जो होता है वो मास इंटू लैटेंट हीट के बराबर होता है। अगर हम लोग यहाँ से एल का वैल्यू फाइंड करने का प्रयास करें तो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू मिल जाएगा क्यू बाई एम, क्लियर है बात। चलिए तो एल इक्वल टू अपने को मिल चुका है, एल इक्वल टू मिल चुका है क्या, क्यू बाई एम। अब क्यू क्या है, हीट है। अब हीट का तो आपको पता ही है डायमेंशनल फार्मूला, ये एनर्जी का एक फॉर्म है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा हीट का डायमेंशनल फार्मूला। बात करें मास का तो मास तो मास ही है, तो एम और एम कैंसिल मतलब एम टू द पावर जीरो, और बचेगा क्या एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, क्या एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। तो लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, समझ गए, एम जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, गलती से मैंने एम एल स्क्वायर टी माइनस वन बोल दिया था। एल इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एम। अब क्यू क्या होता है, क्यू है एनर्जी का एक फॉर्म, ठीक है, हीट है, तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो तो वही होगा जो एनर्जी का होता है। अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है, वो होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। जब आप डिवाइड करिएगा एम से तो एम एंड एम विल गेट कैंसिल आउट, बचेगा आपके पास एम टू द पावर जीरो एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। और ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर, ये जो आंसर है, ये आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। इसका मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स इज, तो आपको इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। अब इम्पल्स होता क्या है आपको ये समझना पड़ेगा, या कोई भी ऐसा इक्वेशन एक सोच लीजिए अपने दिमाग में जिसमें इम्पल्स इन्वॉल्व होता है। बात करें एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन का, तो इम्पल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, क्या फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम एल टी टू द पावर माइनस टू। ये सब बेसिक डायमेंशनल फार्मूला जो कि आपको याद होना ही चाहिए, और इलेवेंथ क्लास में तो याद होना ही चाहिए, ठीक है, नाइन टेंथ में भी ये सारी चीज़ें अच्छे स्टूडेंट को याद रहती हैं। तो एम एल टी टू द पावर माइनस टू हो गया फोर्स को लेकर के, और टाइम को क्या लिख लेंगे हम लोग, टी लिख लेंगे, मतलब बचेगा क्या, बचेगा अपने पास एम एल टी टू द पावर क्या माइनस वन, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। अब देखिए आप कि कौन से ऑप्शन में एम एल टी टू द पावर माइनस वन है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें एम एल टी टू द पावर माइनस वन गिवेन है। इसका मतलब है कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर इम्पल्स कितना हो जाएगा, एम एल टी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर इज। अब आप फिर से एक फार्मूला सोचिए जिसमें पावर इन्वॉल्व हो जाए, और आपको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम, पावर इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। अब आप समझिए कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर क्या, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, क्लियर है बात, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पे टाइम से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो टाइम से आप कर दिए डिवाइड। देखो ये जो टाइम है नीचे में, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। कैसे ऐड होता है ये ठीक उसी तरीके से ऐड होता है जैसे कि एक्सपोनेंट। तो आपको सॉल्व कैसे करना रहता है, एक्सपोनेंट के तरीके से। जब टी ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री बनेगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास वो मैच कर जा रहा है यहाँ पे ए वाला। तो इसका मतलब ये है कि इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को मैच करते जाना पड़ता है, ऑप्शन को क्या करना पड़ता है, मैच करते जाना पड़ता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था क्या कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है।
एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है, सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्यों होता है? क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई होता है एनर्जी से। ई इक्वल टू एच न्यू से निकाले थे हम लोग, एच इक्वल टू ई टी हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू जो था इंटू टी होगा, मतलब एम एल स्क्वायर टी टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, किसके बराबर, ये प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब आप देखिए एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला तो एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होता है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होता है, मतलब ये रॉन्ग हुआ। क्लियर हो गया बात। बात कर ले हम लोग लीनियर मोमेंटम का, बात कर ले हम लोग लीनियर मोमेंटम का, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का हो गया एम, उसके बाद एल टी माइनस वन, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी, मास का एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम का एम एल टी टू द पावर माइनस वन, जो कि नहीं हुआ फिर से। अब बात कर लेते हैं वर्क का, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं होगा। जाहिर सा बात है कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट क्यों होगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को आप लिखिएगा एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखिएगा, एम वी आर। अब एम वी आर को अगर आप डायमेंशन के टर्म में कन्वर्ट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एम वी आर है, एम तो एम है, वी है एल टी माइनस वन, और आर क्या है, एल है, मतलब अगर आप पूरे को सॉल्व करते हैं तो एम एल स्क्वायर बनेगा टी टू द पावर माइनस वन बनेगा। क्या बनेगा, एम एल स्क्वायर बनेगा और टी टू द पावर माइनस वन बनेगा, और यही तो था आपका डायमेंशनल फार्मूला, किस चीज़ का, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का, यही तो था डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक्स कॉन्स्टेंट का। इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है इन चारों गिवन ऑप्शन में से जिसका कि डायमेंशनल फार्मूला जो होगा वो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के बराबर हो जाएगा, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के सेम हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, और एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही साबित होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली करेक्ट। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछे गए हैं कि कौन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए दोनों साइड का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए एल एच एस का डायमेंशन और आर एच एस का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बात करें हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर का, तो देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, मतलब फोर्स क्या हो गया, एम एल टी टू द पावर माइनस टू हो गया, और एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। मतलब अगर आप प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं तो एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एल स्क्वायर ऊपर जा रहा है, ये एल स्क्वायर यहाँ ऊपर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा, बचेगा क्या, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। समझ आया बात। ये सब ऐसे क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फार्मूला एक अच्छे स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई इशू नहीं है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जिस तरीके से हम लोगों ने किया कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, अब फोर्स क्या हुआ, एम एल टी टू द पावर माइनस टू बाई एरिया की जगह पे एल स्क्वायर, जब हमने सॉल्व करा तो क्या मिला, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर क्या, माइनस टू। बात कर लेते हैं राइट साइड का, तो राइट साइड में जो अपने पास इसका आ रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई एरिया, मतलब एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एल स्क्वायर कटेगा, एल जीरो मतलब एल का पावर जीरो आएगा आर एच एस में, और उधर में एल का पावर माइनस वन आया था, मतलब डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी का। ऑप्शन नंबर बी में देखिए फिर से अपने पास प्रेशर का क्या आया था, फोर्स बाई एरिया था, तो एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू आया था प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप कहते हैं, एनर्जी क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं, तो एल क्यूब हो जाएगा। अगर आप इनको सोल्व करिएगा तो क्या बनेगा, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, और यही तो है प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। मतलब ये कि प्रेशर और जो आपके पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, उन दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम हो जाएगा। प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो सेम हो जाएगा। आपके पास ये वाला ऑप्शन, मतलब बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ये ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर बी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, ये ध्यान में रखिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द इक्वेशन टैन थीटा इक्वल टू वी टू बाई आर जी।
One can obtain the angle of banking theta for a cyclist taking a curve. The symbols have their usual meaning. They say it both dimensionally and numerically correct. चलिए सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लें कि क्या ये tan theta equal to v2 by rg सही है। तो tan theta जो होता है bending of cyclist आप पढ़ेंगे circular motion में, ठीक है, कि अगर circular motion cyclist को safely निकलना है तो कितने degree के inclination पे उसको incline होना चाहिए, वो होता है tan theta। और वो tan theta किसके बराबर होता है, वो v square by rg के बराबर होता है। v velocity होता है, r जो होता है रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है, और जी क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो सबसे पहली बात की अगर ये टेन थीटा इक्वल टू वी टू बाई आर जी है तो ये तो करेक्ट है ही नहीं। समझ आ गया बात, अगर टेन थीटा इक्वल टू वी टू बाई आर जी है तो करेक्ट नहीं है। लेकिन अगर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है तो इसका मतलब है कि न्यूमेरिकली करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आया, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी ही होता है, और अगर ये वी टू बाई आर जी है तब तो ये करेक्ट नहीं है। वी स्क्वायर बाई आर जी अगर होता तो न्यूमेरिकली करेक्ट हो जाता। अब हमको चेक करना है कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी, दोनों साइड का क्या होना चाहिए, दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बात करते हैं एल एच एस का। एल एच एस जो है थीटा है, थीटा जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, और कॉन्स्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, मतलब ये डायमेंशनलेस है। अगर एल एच एस के बारे में बात करें, एम जीरो एल जीरो टी जीरो जो है वो डायमेंशनलेस है। अब बात कर लेते हैं अपन आर एच एस का। आर एच एस में क्या है, आर एच एस में है अपने पास वी स्क्वायर बाई आर जी, क्या है वी स्क्वायर बाई आर जी। अगर ये वी स्क्वायर बाई आर जी है तो, ठीक है, अगर ये वी स्क्वायर बाई आर जी है तो, अब देखो वी क्या होता है एल टी माइनस वन, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू बनेगा स्क्वायर करोगे तो। बोलो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रेडियस, रेडियस का क्या होता है एल, जी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो अगर आप इनको सॉल्व करिएगा तो क्या ऊपर और नीचे सेम सेम हो गया, इसका मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो हो गया क्या इसका भी, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कब बताया यहाँ पे कि अगर टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी है तभी दोनों करेक्ट हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकली करेक्ट भी और डायमेंशनली करेक्ट भी। और अगर टेन थीटा इक्वल टू वी टू बाई आर जी है, वी टू बाई आर जी है, ध्यान रखना, तो ना तो ये डायमेंशनली करेक्ट है और ना तो न्यूमेरिकली करेक्ट है। तो कौन न्यूमेरिकली करेक्ट है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का फॉर्मूला है, साइक्लिस्ट को बेंड कितने डिग्री पे करना चाहिए उसका फॉर्मूला है। तो टेन थीटा इक्वल टू जो वी स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज सेम एज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। तो इम्पल्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स मतलब एम एल टी टू द पावर क्या माइनस टू, सुनो एम एल टू टू द पावर माइनस टू किसका हो जाएगा, इम्पल्स का, सॉरी इम्पल्स जो है फोर्स इंटू हुआ टाइम, और फोर्स क्या हो गया एम एल टी टू द पावर माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप टाइम से, बनेगा क्या, बनेगा एम एल टी टू द पावर माइनस वन। ये हुआ इम्पल्स का फॉर्मूला, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखना है कि किसके बराबर होगा, तो इम्पल्स जो है इम्पल्स क्या मोमेंटम के बराबर होगा, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये पता कर लेते हैं। मोमेंटम होता है एम वी, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है एम वी, और ये क्या हुआ एम एल टी टू द पावर माइनस वन, एम एल टी टू द पावर क्या हो गया माइनस वन। तो यही तो हो गया इम्पल्स के बराबर, क्यों, क्योंकि इम्पल्स का भी क्या था, इम्पल्स था फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स का क्या था, फोर्स का था एम एल टी टू द पावर माइनस टू इंटू टी, मतलब बना क्या एम एल टी टू द पावर माइनस वन। इम्पल्स का भी सेम हो गया और मोमेंटम का भी सेम हो गया, मतलब इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या ये समझ आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ रहा है वो दोनों का सेम नहीं आ रहा है, अपन को वो फाइंड आउट करना है। बात करें ऑप्शन नंबर ए पे, एंगुलर मोमेंटम, और इसका दूसरा पार्ट नहीं दिया हुआ है तो इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कोई और क्वांटिटी होगा उससे आप कंपेयर करिएगा। हम लोग देख लेते हैं मोमेंट ऑफ एनर्जिया और मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में। तो इस क्वेश्चन में
कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला दोनों चीज़ का, ठीक है, कौन कौन सा पेयर है ये। तो ऑप्शन नंबर ए में एक और चीज़ रहेगा जो कि छूट गया है, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालते हैं, और उसको निकालने के लिए मोमेंट ऑफ एनर्सिया निकालना पड़ेगा और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ एनर्सिया क्या होता है, होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास ये, और मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है आपके पास, होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर बी में जो मोमेंट ऑफ एनर्सिया और मोमेंट ऑफ फोर्स है उन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, सेम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी टू द पावर माइनस सी। इफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एम एल एंड टी आर अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट एंड गामा परसेंट और डेल्टा परसेंट सॉरी रिस्पेक्टिवली, देन टोटल परसेंटेज एरर इज। देखिए ये बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इवन इस बार नीट के परीक्षा में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात करें, जब एरर हमको गिवन रहता है एक एक क्वांटिटी का और अपने को डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ता है, सॉरी परसेंटेज एरर निकालना पड़ता है सबके टर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबका जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। सबका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये होना चाहिए आपके पास कि ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस गामा सी, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस गामा डेल्टा प्लस सी डेल्टा, ना सी डेल्टा है यहाँ पे, ए अल्फा प्लस बी डेल्टा प्लस सी अल्फा सी लैम्डा सॉरी सी लैम्डा हो जाएगा आपका आंसर। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये देख लीजिए आप, ऐसा ऑप्शन जो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। समझ आ गया। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंसिटी का बता दीजिए एरर, मास में इतना एरर है और वेलोसिटी में इतना एरर, तो हाफ एम बी स्क्वायर मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आ जाएगा। दो तीन क्वांटिटी में एरर दिया हुआ रहता है और उसका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे कॉम्बिनेशन में कितना एरर होगा, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अपन एरर फाइंड करते हैं। ये बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि बताया आपको हर बार आपको कोई भी परीक्षा में देखने को ऐसा प्रश्न मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3 इज 1%, देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अभी बताया, अगर देखो रेडियस में दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम में पूछा गया, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। देखिए जब भी एरर फाइंड करना होता है तो ये वाला जाता है सामने और हो जाता है मल्टीप्लाई, और एरर कितना परसेंट था, 1%। तो ओवरऑल बेसिस पर अगर बात करें तो कितना परसेंट एरर आ जाएगा, तो एरर शुड बी कितना, 3%। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो 3% वुड बी द परफेक्ट आंसर, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, इन एम के ए सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज। सबसे पहला यहाँ पे क्या बात करा गया, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात किया गया। आपको पता है कि एसआई सिस्टम से पहले तीन मेनली सिस्टम थे जो कि चलते थे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमके सिस्टम, और उसके बाद फिर आता है आपके पास एसआई सिस्टम, जिससे जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 ऑक्सिलरी यूनिट को डिफाइन करेगा। और यहाँ पे पूछा गया कि एमके सिस्टम के हिसाब से प्रेशर का जो यूनिट होता है, एमके सिस्टम के हिसाब से प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा पास्कल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट चॉइस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज द डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा कि किसमें जो है डायमेंशन फार्मूला सेम आ रहा है। फिर से हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम एरिया निकालेंगे, और जब आप ऐसा करिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर जो हो रहा होगा यहाँ पर डी मिल जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। क्या करना है आपको, सबका इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉन्स्टेंट से संबंधित डायमेंशनल फार्मूला बार बार पूछे जाते हैं, तो कॉन्स्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला तो याद होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है आपको, कोशिश करिए कि एक इक्वेशन उस क्वांटिटी को इन्वॉल्व करते हुए आपको याद रहे, उससे आप निकाल पाइएगा उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इनमें से कौन है जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वाट सेकेंड है। अब देखिए आप समझिए, वाट क्या होता है? वाट तो होता है जूल पर सेकेंड, उसको सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल ही तो बचेगा, तो इसका मतलब ये तो है ठीक। ऑप्शन नंबर सी पे पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है क्या? ये फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर मतलब न्यूटन मीटर, इसी को तो बोलते हैं जूल, इसका मतलब ये भी हो गया, और जूल तो जूल है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात करिए कि ऑप्शन नंबर बी में डायमेंशनल फार्मूला हो क्या रहा है, वो भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे? देखिए ऑप्शन नंबर बी के बारे में बात कर लेते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड मतलब केजी का क्या हो गया एम, मीटर का क्या हो गया एल, और टी का पावर क्या हो गया -1। ये होता है क्या डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का? नहीं होता है ना। डायमेंशनल फार्मूला का क्या एनर्जी का, एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? होता है ML² T^2-2। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, और इसीलिए हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेंसिटी ऑफ ए ट्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, देखो मास और आपके पास लेंथ में दिया हुआ है एरर। मास का जो एरर दिया हुआ है, मास का जो एरर दिया हुआ है वो 3% दिया हुआ है, और लेंथ का एरर दिया है 2%। तो मास बाई वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है डेंसिटी? वॉल्यूम को ML³ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब देखो मास में कितना है 2%, तो 2% ऐड कर दो, लिखो प्लस इसमें कितना है 3 × 3 × 3%। समझ में आ रहा है? 3 × अच्छा सॉरी, यह है 3% यहाँ पे है और यहाँ पे है 2%, तो इसका मतलब कि 3% यहाँ और 6% यहाँ, टोटल कितना हो गया 9%। समझ आया नहीं आया? क्या बोला? डेंसिटी इक्वल टू था मास बाई वॉल्यूम, मास बाई L³। इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख लीजिएगा, मास में एरर, मास में एरर कितना था 3%, और वॉल्यूम लेंथ में एरर कितना था, लेंथ में एरर था 2%, तो 3 × 2% हो जाएगा, मतलब ये 6 और ये 3 कितना हो जाएगा 9%। क्लियर हो गया बात? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए ही है 9%। समझ आया नहीं आया बात? ये क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा 9%, और 9% जो है वो हमारा हो जाएगा करेक्ट चॉइस। क्लियर ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ साइंटिस्ट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट एंड टेक्स 100 रीडिंग। एक साइंटिस्ट है भाई, परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट और 100 रीडिंग लेता है। ही रिपीट्स द सेम एक्सपेरिमेंट एंड नाउ टेक्स 500 रीडिंग बाई डूइंग सो, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है द प्रोबेबल एरर रिमेंस द सेम, द प्रोबेबल एरर इज हाफ, प्रोबेबल एरर इज डबल्ड, द प्रोबेबल एरर इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 1/4। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। क्लियर हो गया बात? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो कि डायमेंशनल फार्मूला से ही के हिसाब से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी है तो एक वीडियो और भी अपलोडेड है यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर के, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कोशिश करिए यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ने के से पहले कि मैक्सिमम फार्मूला आपको याद रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूनिट, जब भी डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा तो आपको कोई ना कोई ऐसा फार्मूला इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसमें कि वो वाला क्वांटिटी आ जाए जिसका आप डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि 12th क्लास के चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। लेकिन बात करें अगर झारखंड बोर्ड के से संबंधित इस परीक्षा की, जिसमें हम लोग अभी अपियर होने वाले हैं, 5 तारीख से जो परीक्षा स्टार्ट हो रही है, उसमें आपको बहुत हेवी लेवल का चीज़ नहीं पूछा जाएगा। सिंपल बेसिक फार्मूला याद रखिए, बेसिक टेक्निक याद रखिए, आपसे बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अ लॉट।